आपको बता दें कि पूरा मामला जनपद संभल की चंदौसी का है, जहां पर स्थित एसएम डिग्री कॉलेज में इस समय स्नातक प्रथम वर्ष के प्रवेश की प्रक्रिया चल रही है। इसी प्रवेश प्रक्रिया में धांधली को लेकर छात्र नेताओं ने कॉलेज प्रशासन पर आरोप लगाए हैं। इस संबंध में छात्र नेता सुरेंद्र यादव ने बताया कि आज प्रवेश प्रक्रिया का अंतिम दिन है, यहाँ पर कॉलेज प्रशासन ने सत्ताधारियों के दबाव में प्रवेश ले लिए हैं, जबकि योग्य छात्र प्रवेश के लिए अब भी भटक रहे हैं। इसलिए हम कॉलेज प्रशासन से मांग करते हैं कि वे कॉलेज में जमा हुए फॉर्म और प्रवेश हुए छात्रों के फॉर्म सार्वजनिक करें, जिससे स्पष्ट हो सके कि प्रवेश प्रक्रिया बिल्कुल सही हुई है। वहीं इस विषय में कॉलेज के प्राचार्य का कहना है कि हमारे यहाँ पर सभी कक्षाओं में प्रवेश की प्रक्रिया 15 सितंबर को ही लगभग पूरी हो चुकी है, सिर्फ कुछ सीट बीकॉम में बाकी हैं जिन पर इनका प्रवेश नहीं हो सकता। इसी बात पर ये लोग हंगामा कर रहे हैं। ये हमारे यहाँ प्रवेश प्रक्रिया 15 तारीख को पूर्ण हो चुकी है। ये हमारे यहाँ एडमिशन की डिमांड कर रहे हैं कि हमारे जो छूटे हुए छात्र हैं कुछ, उनके एडमिशन किए जाएं, जबकि हमारे यहाँ लगभग सभी सीटें फुल हो चुकी हैं, केवल कुछ बीकॉम में कुछ सीटें खाली रह गई हैं, उन पर इनके एडमिशन हो नहीं सकते हैं। इस बात का हंगामा है। ये क्या चाह रहे हैं कि हम उन सीटों पर उन क्लासों में इनके एडमिशन ले लें जबकि वहाँ सीटें खाली नहीं हैं। तो सर जैसे कि परीक्षाएं चल रही हैं, परीक्षाओं के बीच में ये कुछ भाई छात्रों ने यहाँ पर आकर हंगामा किया है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन, इसको लेकर कोई कार्रवाई की जा रही है आपकी ओर से? नहीं, मैंने इसीलिए इनको आज अंदर नहीं घुसने दिया और बैरियर पर ही इनका ज्ञापन लिया है, क्योंकि मुझे पता था कि अगर ये भीड़ अंदर जाएगी तो वो जो हमारी शांतिपूर्ण परीक्षा हो रही है वो बाधित होगी, इसीलिए हमने बैरियर पर ही इनका प्रवेश को निषेध किया और यहीं पर आकर इनका ज्ञापन ले लिया। जो कॉलेज में एडमिशन हुए हैं, जो फॉर्म जमा हुए हैं, उनको सार्वजनिक किया जाए, हमारे सामने किया जाए, सभी विद्यार्थियों के सामने किया जाए, जिससे पता चल सके कि क्या सही है और क्या गलत। प्रिंसिपल साहब का कहना है कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है, लेकिन हमारा कहना है कुछ भी ठीक नहीं है। जिस तरह से हम छात्र नेताओं को यहाँ पर रोका जा रहा है लगातार कि आप पूर्व अध्यक्ष हैं, पूर्व महामंत्री हैं, आप अंदर नहीं जा सकते, जैसे कि विश्वविद्यालय का आज 19 तारीख लास्ट डेट है एडमिशन प्रक्रिया की, इन लोगों का हम लोगों को रोकने का एजेंडा सिर्फ इतना है कि आज शाम 5 बजे तक इन लोगों को कैसे भी रोक लिया जाए, जिससे इन लोगों के ऊपर एडमिशन का दबाव ना बन सके, कल के लिए इनसे हम कोई बात ना कह सकें। आज लास्ट डेट होने की वजह से सिर्फ परीक्षा के नाम पर कि प्रैक्टिकल के नाम पर, मैं जानना चाहता हूँ कि अब ये प्रैक्टिकल जो इस समय चल रहे हैं, क्या इससे पहले कभी हमारे कॉलेज में प्रैक्टिकल नहीं होते? क्या कभी इससे पहले परीक्षाएं नहीं हो रही थी? कभी हम लोगों को नहीं रोका गया, कभी किसी छात्र को नहीं रोका गया? आज प्रैक्टिकल के नाम पर और परीक्षा के नाम पर जबरदस्ती हम छात्रों का उत्पीड़न किया जा रहा है, हमको प्रशासन को बुलाकर उनका डर दिखाया जा रहा है, तमाम जो हमारे शिक्षक हैं वो तमाम छात्र नेताओं के ऊपर दबाव बना रहे हैं कि यहाँ से जाइए, आपकी कोई मांग नहीं सुनी जाएगी। और मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूँ, कोई भी चीज़ सार्वजनिक नहीं होगी, क्योंकि तमाम दबाव में एडमिशन इन लोगों ने लिए हैं, तमाम जो मेरिट में आए हुए छात्र छात्राएं उनके भविष्य के साथ इन लोगों ने खिलवाड़ की है।